नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम मिशन बुनियाद की मैथमेटिक्स बुक से डेज 33 एंड 34 की वर्कशीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, डेज 33 एंड 34। प्रश्न एक देखिए बच्चों, खाली बॉक्स में उचित संख्या भरे। बच्चों आप देख रहे हैं इज इक्वल टू के लेफ्ट में और राइट में कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, तो ये हमारी LHS और ये इज इक्वल टू के राइट में हमारी RHS बॉक्सेस कहलाएंगे बच्चों। अच्छा, अब देखिए क्या लिखा है बच्चों, 49 इज इक्वल टू, तो इन दोनों बॉक्सेस में क्या संख्याएं आएगी कि दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाए बच्चों, 49। लेकिन आप देखिए ध्यान से, ये लिखा है दहाई और ये इकाई। बच्चों इंग्लिश में बात करें तो इनको हम बोलते हैं टेंस और वंस। तो क्या बच्चों, यहां पर जो संख्या आएगी वो वंस होगी और यहां जो लिखी जाएगी वो टेंस। इससे पहले आप एक चीज और समझिए, मानिए कि हमारे पास यही नंबर है आज के दिन जो है 33 और 34। तो देखिए 33 को देखिए, मैं अब इसमें कहता हूँ कि वंस बताइए क्या होगा। तो बच्चों वंस पर क्या होगा, हम राइट साइड से काउंट करते हुए पहली डिजिट हमारी क्या होगी, वंस होगी। तो यहाँ पर कितने वंस हैं, 3 वंस हैं। अब मैं पूछूँ आपसे कि टेंस बताइए, तो जो हमारी दूसरी डिजिट है बच्चों राइट से सेकंड डिजिट, वो हमारी क्या कहलाती है, टेंस या दहाई। तो दहाई भी कितने हैं, यहाँ पर 3 है। ऐसे ही बच्चों अब 34 का आप बता देंगे, वेरी गुड। वंस कितने हैं, 4 और टेंस कितने हैं बच्चों, 3। यानी कि हमारे पास इकाई है 4 और दहाई है 3। ऐसे ही बच्चों देखिए 49 में हमारे पास इकाई कितनी है, 9 है, वेरी गुड, और दहाई 4 है। इजी है ना बच्चों। अब देखिए आगे क्या दिया गया हमें, 7 दहाई और 3 इकाई, या हम बोल सकते हैं 7 tens और 3 ones। तो इस बॉक्स में क्या लिखेंगे अब, वेरी गुड, 73। ऐसे ही बच्चों बाकी आपने करने हैं। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सोचे समझे और उचित चिन्ह का प्रयोग करें। ये हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों, हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखें जिससे आपको आज का ये प्रश्न करने में काफ़ी आसानी होगी। 55 लिखा है बच्चों और 58, और बीच में हमें एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में हमें 3 चिन्ह का प्रयोग करना है, या तो हम ये वाले चिन्ह का, या ये वाले चिन्ह, या तीसरे चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आइए पहले रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों मैंने बताया था आपको, अगर ऐसे सिंबल लिखा हो तो हम इसको पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से। लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो हम पढ़ेंगे एक्स इज लेस देन वाई। ये हमने कैसे पता लगाया कि एक्स जो है छोटा है, ये देखिए बच्चों, जिस साइड ये सिंबल बंद हो रहा होता है वो नंबर छोटा होता है दूसरे नंबर से। और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस साइड ये सिंबल खुलेगा वो नंबर बड़ा होगा किससे, दूसरे वाले नंबर से। तो यहां पर देखिए x क्या है, इज स्मॉलर देन y या लेस देन y, या हम कह सकते हैं y इज ग्रेटर देन x। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या लिखेंगे हम, अब सारे बच्चे सभी नंबर्स के नीचे लिखेंगे इसी तरीके से, क्या 55 इज smaller than 58। ऐसे ही बच्चों देखिए 64 और 70 के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा बच्चों, ये वाला, 70 की तरफ मुंह खुला रहेगा और 64 की तरफ मुंह बंद रहेगा। अब ये देखिए, ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, 32 30 से बड़ा है, इसीलिए आप देखिए जो सिंबल है उसका मुंह
थर्टी टू की तरफ खुला हुआ है, यानी बड़े नंबर की तरफ। और हम इसको लिखेंगे कैसे या पढ़ेंगे कैसे, 32 इज ग्रेटर देन 30। इजी है ना बच्चों, बाकी सब भी आप इसी तरीके से हल करेंगे। प्रश्न तीन देखिए बच्चों, बॉक्सेस में सेम नंबर लिखा है, यहां पर हमने अपने अनुसार दो नंबर चूज करने हैं जिनका सम क्या हो, 65 हो। एक करके दिखाया है 30 और 35, दूसरा मैं आपको करके बता देता हूं क्या होगा बच्चों, 20 और 45। ऐसे ही आप एक नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं 65 प्लस 0। लेकिन ध्यान रखें आप जो नंबर चूज कर चुके हैं उनको दोबारा से इस्तेमाल ना करें। ऐसे ही प्रश्न चार है बच्चों, दो नंबर चूज करने हैं जिनका जब हम उनको घटाएं तो हमें क्या मिल जाए, 25 मिल जाए। एक मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाकी आपने करने हैं 85 60। और देखते हैं बच्चों आप क्या कर सकते हो, 25 माइनस 0, जीरो क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट हमारा 25। बाकी आप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आइए अब प्रश्न 5 6 7 और 8 भी देखते हैं जल्दी से, जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। एक टोकरी में 35 सेब हैं, उसमें से 16 सेब निकाल लिए, तो बताएं अब टोकरी में कितने सेब बचे, 35 हैं 16 निकाल लिए, 5 से 6 नहीं कटेगा तो हेल्प ली 3 की, 15 से 6 गए 9, यहाँ बचेगा 2, 2 से 1 गया 1, तो कितने बचे बच्चों, 19 सेब बचे। प्रश्न 6 देखिए, एक बस में 45 लोग बैठे हैं और उसमें 29 लोग और आ गए, तो संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 45 से, कितनी बढ़ जाएगी, 45 प्लस 29, तो देखिए 9 और 5 14, कैरी गया 1, 4 5 6 और 1 7, कितने हो गए अब, 74 उस बस में हो गए हैं। प्रश्न 7 देखिए बच्चों, एक बाल्टी में 15 लीटर पानी आता है, तो ऐसी ही 5 बाल्टियों में कितना लीटर पानी आएगा, एक बाल्टी में 15 लीटर, 5 बाल्टी में 5 × 15 कितना बच्चों, 75 लीटर हमारा आंसर है। लास्ट देखते हैं बच्चों प्रश्न हमारा, 3 मीटर कपड़े का मूल्य है, कितने बच्चों, 3 मीटर कपड़े का मूल्य है 96 रुपये है, 1 मीटर का बताना है, सिंपल है बच्चों, डिवाइड करेंगे 3 को 96 को 3 से, करिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बच्चों कितना आंसर आ गया हमारा, 32। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है बच्चों, ₹32। इसी के साथ बच्चों हम आज की वर्कशीट खत्म करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।